नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज यूपी ट्रिपल एससी ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हम लोग जानेंगे इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट sarkaririzalt.com खोलना है या तो फिर दूसरी नंबर वन वेबसाइट rozgarrizalt.com खोलना है। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आपको कोई फॉर्म का आवेदन करना हो तो sarkaririzalt.com या तो rozgarrizalt.com ही खोलिए, क्योंकि इस पे जो पेमेंट्स के लिंक वगैरह है सब ट्रू रहते हैं, मतलब कि सब जो है असली रहते हैं और पेमेंट आपका सही अकाउंट में जाएगा, फॉर्म आपका सही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये देखिए दिया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी 2019 अप्लाई ऑनलाइन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मान देख सकते हैं एक नया पेज खुलता है और इसमें आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स आ गए हैं। 25 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट इसकी 18 मार्च है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी की 185 है, एससी एसटी की 95 है और पीएच कैंडिडेट की जो है 25 रुपीज़ है। एज लिमिट 21 से 40 है और एज लिमिट कैलकुलेट 1 जुलाई 2019 से होगी। एलिजिबिलिटी आपकी ये दी हुई है, ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है। जनरल 218, ओबीसी 113, एससी 79, एसटी 2, ये देखिए सारे लिंक्स है। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं पूरा। आइए हम आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपका पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अप्लाई पर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि आपने दोबारा कोई यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म इससे पहले भरा है, अगर भरा है तो यस करके प्रोसीड करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपने नहीं भरा तो नो कर सकते हैं। अगर आपने भरा है और आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं आया तो आपके पास एक ऑप्शन और है, यहाँ पे आपको होम पेज पे जाना है, कैंडिडेट हेल्प करके एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपना नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर करके अपना नंबर जान सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए हम दोस्तों फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं, सीधा रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। मैंने वही प्रोसेस किया, मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ और प्रोसीड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ से फिर आपको एक डिक्लेरेशन पूछेगा, एक्सेप्ट करके क्लिक कर देना है। दोस्तों ये देखिए आपको सीधा सीधा एलिजिबिलिटी पूछ रहा है, देखिए सारी डिटेल्स इसकी मैंडेटरी है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये क्लिक करना है। दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अगर है तो प्रोसीड कर दीजिए, ओके कीजिए। ये देख सकते हो दोस्तों रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, यहाँ आपका आपको डोमिसाइल पूछा है, आपका यूपी का डोमिसाइल है कि नहीं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फ्रीडम फाइटर का वेटेज पूछा है, एक्स आर्मी मैन का पूछा है, हैंडीकैप पूछा है, स्किल्ड प्लेयर पूछा है, अगर आप इसमें से कुछ भी हो तो दे सकते हैं। यहाँ पूछा है गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लाई है उत्तर प्रदेश को, तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ आपकी होम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट हो उसको डाल दीजिए। सब कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी हो आपका वो डाल सकते हैं। इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आ गया है इस बार से, जो चीज़ नई है। देखिए ईडब्ल्यूएस अभी आपने पिछले दिनों देखा था आईएएस के फॉर्म में था ईडब्ल्यूएस, इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने भी ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप यस कर दीजिए। इसमें देखिए जैसे आप यस करेंगे उसमें आपको कहेगा आय आवेदन करने वाले वर्ष को 8 लाख से कम होनी चाहिए आर्थिक आय, 10% आरक्षण आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ 18 फरवरी को आदेश जारी किया गया। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, यहाँ आप अपना जेंडर डाल दीजिए, मैरिड है कि नहीं वो डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही केयरफुली डालिएगा क्योंकि ये चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी। दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपनी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया है, अब हम नीचे आएंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम पूछा, आप जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की वहाँ डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड है तो ये डाल दीजिए। नीचे फिर आपको इंटर का पूछ रहा है, इंटर में भी आपको यूपी बोर्ड है ये डाल दीजिए। यहाँ पे आपका पासिंग ईयर पूछ रहा है, जब भी आपने उसको पास किया वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपका इंटर का डालना है, ऊपर आपको हाई स्कूल का डालना है, यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ग्रेडिंग सिस्टम नो करते हैं, यहाँ देखिए मार्क्स ऑब्टेन उसका ऑप्शन खुल जाएगा। देख सकते हैं नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको जो जो पोस्ट आपने स्टार्टिंग में यस की थी वो पूछ रहा है। यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम देना है, जैसे इंटर आपने किस बोर्ड से किया, मैंने यूपी बोर्ड से किया वो कर दिया, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था नो कर दिया। यहाँ पे आपने कब पास किया इंटर अपना वो डाल दिया। यहाँ पे देखिए आपका मार्क्स वही डिटेल फिर से पूछ रहा है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आपका रोल नंबर भी डाल सकते हैं और यहाँ पे जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी जो आपकी इशू डेट होगी वो आप डाल दीजिए।
ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए आपको डिप्लोमा का पूछ रहा है, जो आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ बैंकिंग में उसका डिटेल डालना है, जहां से भी आपने किया उसको डाल दीजिए। ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो जो भी आपका हो उसको डाल दीजिए। मैं अंदाज से उसको भर रहा हूँ, आप इसको अपना जो डिटेल्स हो सही भरिएगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट या रोल नंबर में तो कुछ एक डालना है, यहाँ आपने जब जारी हुआ है उसको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका, हैव यू रिसीव 3 मंथ ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी ट्रेनिंग। यहाँ पे अगर आपकी ट्रेनिंग आपने की है तो यस कीजिए, नहीं की है तो नो कीजिए, लेकिन आपको यस ही करना पड़ेगा क्योंकि होम्योपैथिक में ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। ट्रेनिंग आपने कहाँ से की है उसको आपको डाल देना है, यहाँ पे उस ट्रेनिंग का जो भी आपका रोल नंबर होगा वो डाल दीजिए, और जो सर्टिफिकेट मिला है उसकी आपकी जो डेट है उसको डाल दीजिए। ये आपको होम्योपैथिक काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बोर्ड का उसका डिटेल पूछ रहा है, इसको आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होम्योपैथिक काउंसिल में, वो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखा होगा, यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है और जिस तारीख को ये जारी हुआ है उसकी डिटेल आपको फिल आउट करनी है। दोस्तों सेम ये डिटेल्स आपको नीचे भी कॉपी पेस्ट कर देनी है। चलिए मैं आपको फटाफट क्विकली करके दिखाता हूँ, वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करते। दोस्तों देखिए डिटेल्स हमने पूरी नीचे की भी पूरी कॉपी पेस्ट करके भर ली है, अब आपको नीचे कैप्चा डालना और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट करने पहले आपको ध्यान है, ये देखिए जो पिंक बॉर्डर आपको दिख रहा है इसमें यस होना चाहिए क्योंकि सब चीज मैंडेटरी है, कहीं भी नो होगा तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, इसको आप कॉपी करके रख लीजिएगा और अब आपको सीधा इस पेज के नीचे भी जाना है, इसका प्रिंट निकाल के आप सेव भी कर लीजिएगा और एक A4 साइज में प्रिंट भी करके और PDF में रख लीजिएगा। दोस्तों अब सीधे आपको पेज के नीचे आना है। दोस्तों नीचे आएंगे आपको दिख रहा है 185 रुपये फीस करनी है और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो लगा देनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर लगा देना है, इसके आप प्रोसीड टू अपलोड करना है। फिर ये देखिए आपको फी रिमेनिंग, ये देखिए 2 ऑप्शन रह गए हैं, इस पर आपको फी पेमेंट करना है और फी डिपॉजिट का कंफर्मेशन आ जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। आपको फी पेमेंट कैसे करना है तो उसकी भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द डालूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट्स कीजिए, हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पे जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने